हेलो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर लोग, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और देखना चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर और मेकअप ट्यूटोरियल्स डीआईवाईज, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और इंस्पायर्ड मेकअप लुक लेकर के आई हूँ, और यह इंस्पायर्ड लुक है हमारे सीरियल कुमकुम भाग्य में श्रीति झा यानी कि प्रज्ञा का लुक है। बहुत ही ईजी और बहुत ही खूबसूरत सा लुक है दोस्तों। इस वाले लुक को आप किसी भी पार्टी फंक्शन में कहीं भी बाहर आने जाने के लिए रेडी कर सकते हैं। बहुत ही इजी और बिगनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। लेट गेट स्टार्टेड। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर लोग, आज का लुक के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे थियोली का विटामिन सी सीरम से अपने पूरे फेस को मॉइस्चराइज करेंगे। इसकी जगह आप कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अपने आईब्रो पे चलते हैं। अपने आईब्रो को सबसे पहले फिल करेंगे यहाँ पे ब्रो पोमेट की मदद से। आज हम अपने आंखों का मेकअप से रेडी कर रहे हैं मेकअप, तो सबसे पहले अपने आईब्रो को फिल करें और इसको जितना भी मोटा पतला है उतना कर ले, और ब्रश की मदद से इसको सेट करना ना भूले। उसके बाद हम लेते हैं मार्स का कंसीलर पैलेट। तो सबसे पहले आंखों का मेकअप करने के लिए सबसे पहले उसका बेस रेडी करना होता है, तो इसके लिए हमने कंसीलर पैलेट में से अपने स्किन टोन के हिसाब से कंसीलर ले लिया हुआ है, और उसको आईलिड पे लगा करके और उसके बाद फ्लफी ब्रश की मदद से उसको काफ़ी अच्छे से सेट कर दे, ताकि हमारा जो आईब्रो का जो मेकअप है ना, आंखों का मेकअप बहुत ही ज़्यादा उभर के दिखेगा। और इसको सेट करने के लिए यहाँ पे मैं बहुत ही बढ़िया हमारा NYB का कॉम्पैक्ट पाउडर, इसकी मदद से अपने आँखों को जो हमने बेस रेडी किया है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए, क्रीज ना हो, इसके लिए हमने पाउडर से सेट कर दिया है। अब यहाँ पे आई शेडो के लिए हमने एलिगल का आई शेडो पैलेट लिया है। इसमें हम सबसे पहले ट्रांजिशन कलर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रज्ञा का जो लुक है बहुत ही सुंदर और इजी सा लुक है। तो सबसे पहले हमने ट्रांजिशन कलर के लिए हमने लिया था बहुत ही लाइट ब्राउन कलर का शेडो लिया हुआ है। उसको अपने पूरे आईलिड पे लगा के उसको काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करना है। लोअर यहाँ पे हमने थोड़ा सा लूज पाउडर लगा दिया, ताकि कोई भी फॉल्स हो हमारे आईब्रो के आई शेडो के तो सभी इस पाउडर पे गिरे, और बाद में इसको हम क्लीन कर सकते हैं। फ्लफी ब्रश की मदद से हमने इसको सेट कर दिया। अब हमने दूसरा शेड लिया है, बिल्कुल हल्का सा जो पिंक वाला टोन वाला है ना, बहुत ही लाइट पिंक वाला टोन है। हम अपने फ्लैट ब्रश की मदद से पूरे आईलिड पे इस तरीके से लगा लेंगे। तो बस हमारा आंखों का मेकअप बहुत ही ईजी वाला कंप्लीट हो गया। अब अपने यहाँ पे क्या करते हैं, लाइनर लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रज्ञा ने बहुत ही पतला सा और बहुत ही बढ़िया सा जो है लाइनर लगाया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा हैवी लुक नहीं है, तो नॉर्मल यहाँ पे आप जो है जेल लाइनर लगा सकते हैं। ये मैं जेल लाइनर लगा रही हूँ, आप यहाँ पे लिक्विड लाइनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा विंग लाइनर क्रिएट करें, बहुत ही ज़्यादा ना निकाले। और यहाँ पे आप जो है लोअर जो लैश लाइन है उसको भी काफ़ी अच्छे से हल्का सा जो है ट्रांजिशन कलर लगा के सेट कर दे, पूरा हैवी लुक नहीं है, बिल्कुल हल्का सा। और फिर हम पाउडर को काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब लोअर वाटर लाइन एरिया पे आपको यहाँ पे जो है ना बहुत ही बढ़िया हमें काजल लगा लेना है। तो ये हमने लिया SQ का बहुत ही बढ़िया ब्लैक कलर का काजल है, तो काफ़ी सुंदर सा और इजी सा लुक है, सिंपल सा काजल लगाया हुआ और ज़्यादा हैवी लुक नहीं है। तो काजल लगाने के बाद दोस्तों अपने यहाँ पे लैसेस को कर्ल करेंगे, तो इसके लिए हमने बेला बोस्ते का मस्कारा है, तो लैसेस को कर्ल जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो है ना चश्मा लगाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको फॉल्स लैसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हल्का सा जो है अपने लैसेस को कर ले ऊपर नीचे दोनों। अब फेस मेकअप पे वापस आते हैं, तो सबसे पहले हम कलर बार का यहाँ पे मिल गया है प्राइमर, तो बिल्कुल हल्का हल्का प्राइमर लगा ले पूरे फेस पे। बहुत ही लाइट मेकअप है, तो हल्का सा प्राइमर आपको लगाना है, और लगा के काफ़ी अच्छे से पूरे फेस को अच्छे से सेट कर ले। ऑलरेडी हमने जो है फेस को स्टार्टिंग में ही बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया था। बहुत ही लाइट वाला फाउंडेशन हमने लिया है SQ का स्टिक वर्की का, तो डॉट डॉट करके पूरे फेस पे लगा लेंगे। उनका हैवी लुक नहीं है, तो आज हम कंसीलर नहीं लगाएंगे, सिर्फ फाउंडेशन से ही पूरा मेकअप करेंगे। ऑलरेडी हमने आईब्रो पे हल्का सा कंसीलर लगाया था, क्योंकि हमें आईब्रो का बेस रेडी करना था, पर पूरे फेस में हमें हैवी लुक नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ कंसीलर को नहीं लगाया है। फाउंडेशन की मदद से पूरे फेस को हम सेट करेंगे, और डॉट डॉट करके पूरे अच्छे से डैब डैब करके ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से सेट करें, गर्दन पे ज़रूर करें। और उसके बाद NYB का हमने यहाँ पे लिया है कॉम्पैक्ट पाउडर, इसकी मदद से पूरे फाउंडेशन को अच्छे से सेट करेंगे फेस में, ताकि हमारा फाउंडेशन बिल्कुल भी पैची ना लगे और बिल्कुल डिसेंट सा लुक आ जाए, और बहुत ही बढ़िया से सेट लगे आपके फेस में। अब अपने फेस को थोड़ा सा कंटूर करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंटूर नहीं है उनके फेस में, बिल्कुल लाइट सा कंटूर है,
तो बिल्कुल हल्का सा कंट्रोल करके और काफ़ी अच्छे से उसको ब्लेंड करेंगे। और फिर हल्का सा उन्होंने ब्लश लगाया हुआ है, तो ब्लश हमने सेम पैलेट में से, कंट्रोल पैलेट में से लगा लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी सा लुक है। हाइलाइटर के लिए बहुत ही बढ़िया हमने मास्टर क्रोम का, यहाँ पे मैबलिन मास्टर क्रोम का हाइलाइटर है, जो कि बहुत ही ईजी सा है, ज़्यादा हैवी लुक नहीं है, बिल्कुल हल्का हल्का लगाएं। और आँखों पे, नाकों को बेब्रिज बनाना बिल्कुल भी ना भूले। थोड़ा सा आप अपने ब्रो बोन्स पे हाइलाइटर लगा ले और आंखों के कॉर्नर पे लगाना बिल्कुल भी ना भूले। और लिपस्टिक के लिए यहाँ पे हम जो है पिंक कलर का लिपस्टिक लगाएंगे, जो कि NYB का क्रेयॉन लिपस्टिक है, क्योंकि यहाँ पे प्रज्ञा ने पिंक कलर का लिपस्टिक लगाया हुआ है, और इसी वजह से हमने आईब्रो का जो, आंखों का जो शेड है ना, बिल्कुल हल्का सा पिंक डाला था, और बहुत ही लाइट सा शेड हमें मिल चुका है, ये देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा लिपस्टिक है। अब मेकअप को फिक्स करेंगे यहाँ पे लॉरियल का इन्फ्लेमेबल मेकअप फिक्सर से, इससे हमारा मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सा लुक है, इजी सा आप आराम से कर सकते हैं अगर आप बिगिनर्स हैं। इस तरीके से प्रज्ञा का लुक है, साइड पार्टीशन है, हल्का सा बाल कर्ल है, और कान में साथ के साथ ही झुमका डाला है, बिंदी लगाया हुआ, और इस तरह का स्पेक्स लगाया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरी तरह से उस लुक को कॉपी करने की कोशिश की है। आप हमें बताएं ज़रूर कि किसी तरह का कोई त्रुटि है, कोई तरह की खामियां है, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसमें सुधारने की कोशिश करूं। कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूले। अगर वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो आप सबसे फिर से मिलते हो एक नई वीडियो में, नए ट्यूटोरियल में, नए DIY में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू सून।